चिकन का जितना भी रेसिपी मैंने ट्राई किया है उसमें ये पेपर दही चिकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइटम आप ये बोल सकते हो। इसे बनाना चिकन की दूसरी रेसिपियों से बहुत आसान है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। ये पूरी दही पराठा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू भालोबेशी रान्ना। आज हमारी रेसिपी है पेपर दही चिकन। तो पेपर दही चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह से हम धोकर उसको मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 800 ग्राम चिकन लिया है और इसे मीडियम साइज़ पे कट कर लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक, 1 टेबलस्पून पेपर पाउडर जो हम घर पर ही बनाएंगे, तो इसके लिए 1 टेबलस्पून काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर एंड 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च लेके हम इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसको निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसको कूट लेंगे। इसे हमें थोड़ा दरदरा सा ही रखेंगे और आप ये वाला पाउडर ही इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी में। बाज़ार में मिलने वाला पाउडर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे और फिर 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। चिकन पे मसाला अच्छी तरह से कोट करने के बाद फिर हम इसे रेस्टिंग पे रखेंगे मिनिमम 1.5 से 2 घंटा। आपको इतना वक्त के लिए इसे रेस्टिंग पे ज़रूर रखना है। जब तक चिकन रेस्टिंग पे है तब तक हम चिकन का एक मसाला रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसमें 1/2 चम्मच बटर ऐड कर लेंगे। फिर एक दालचीनी, 2 इलायची, 3 से 4 लौंग डाल के 20 सेकेंड तक भून लेंगे। तेल में मसाला का फ्लेवर ऐड हो जाने पर इसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने रफली कट करके रखे थे उसे हम ऐड कर देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे 30 सेकेंड तक भून लेंगे। फिर इसमें 1 इंच अदरक स्लाइस किया हुआ, 10 से बड़ा लहसुन की कलियां डाल के और 1.5 से 2 मिनट तक भूनना है। जब आप तेल में थोड़ा सा बटर डाल के ये प्याज अदरक लहसुन को भूनेंगे ना, तब इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आएगी और ये ही आपके फ्लेवर को ज़्यादा इन्हेंस करेगा। फिर 2 मिनट के बाद हम इसमें 10 से 12 काजू ऐड करके थोड़ा सा और भून लेंगे। काजू मिलाने से ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। प्याज का कलर जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हमें इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। फिर इसको हम एक मिक्सी में डालकर इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दही डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर आप सिल बट्टे पे इस पेस्ट को बनाओगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाल के इस पेस्ट को बना लेना। देखो, हमें ऐसा ही एक थिक पेस्ट बना लेना है। तो हमारी चिकन का मैरिनेशन, मसाला सब कुछ बिल्कुल रेडी है। अब हमें चिकन को कुक कर लेना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के उसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे। फिर उसमें 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल के 30 सेकेंड तक भूनना है। इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को हम एक एक करके डालेंगे और फिर दोनों ही तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है, वरना चिकन अपना सब पानी छोड़ देगा, तब ये फ्राई वाला कलर हमें नहीं मिलेगा। तो 4 मिनट तक हम चिकन को दोनों ही साइड से पलट कर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारी चिकन जले ना। 3 से 4 मिनट तक दोनों ही तरफ से इसको फ्राई करने के बाद जो प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर इसको बहुत अच्छी तरह से मिला के हम इसको 1.5 से 2 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। यहाँ पे आपको पूरी कुकिंग जो है उसको लो फ्लेम पे ही करना है और लो फ्लेम पे करते करते ही चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चिकन अपना खुद पानी छोड़ेगा और हाई फ्लेम पे पकाने से चिकन जल जाएगा। फिर 2 मिनट के बाद हमें इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच के करीब दही, जो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के फेंट लिया था। उसमें हम फिर डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर जो हमने तैयार किया था, और फिर थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैरिनेशन के वक्त हमने नमक मिलाया था, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक को चेक करके मिलाइएगा, और 2 हरी मिर्च। फिर सबको हमें बहुत अच्छी तरह से मिला के इसको ढक के हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है 10 से 15 मिनट।
और इस टाइम पे हमारा चिकन बिल्कुल पक गया है और ये इतना सॉफ्ट बनता है कि अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हमने चिकन को नरम करने के लिए कोई विनेगर या फिर कोई और चीज़ नहीं मिलाई है, बस दही से और ये अपना कुकिंग प्रोसेस से ही इतना नरम बन गया है कि आप मुँह में देने से ही ये घुल जाए। फिर लास्ट में क्योंकि हमने दही मिलाया था तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी गर्म मसाला मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। फिर क्या, अब पूरी पराठा के साथ हमारी ये टेस्टी टेस्टी गर्म गर्म पेपर दही चिकन की रेसिपी सर्व करें और हमें कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।